गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अभ्यास पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है और इसका यूज हम किस प्रकार करते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय बेसिकली एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय होती है, हमें क्या बताती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण की भुजा का वर्ग करने पे वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण की भुजा कितनी है? एसी। अन्य दो भुजाएं एबी और बीसी, तो एसी भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एबी और बीसी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, क्योंकि दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो नीचे की भुजा होगी ये आधार कही जाती है, ये ऊपर वाली भुजा ये लंब है, और जो ये भुजा टेढ़ी जो दक्षिण अंगूठी की रेखा ये कर्ण भुजा को प्रदर्शित करती है। ठीक, इसी प्रमेय पे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज अभ्यास 9.5 हम इस पे पढ़ेंगे। अभ्यास 9.5 यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, इनकी अज्ञात लंबाई ज्ञात कर ली है। ठीक, तो मैंने सबसे पहले ये चित्र देखते हैं, इसमें x का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमको पता है आधार 40 है, यहाँ पर कोई नाम नहीं है, सीधा लिख रहे हैं आधार यहाँ पर कितना है 40 है। ये जो भुजा समकोण बना रही है ये इस भुजा को लंब नाम देंगे, लंब कितना है 9, और ये त्रिज्या रेखा क्या प्रदर्शित कर रही है? कर्ण भुजा। कर्ण कितना है? x। ठीक, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है, लंब ये 9 स्क्वायर और आधार कितना है 40, 40 का स्क्वायर। ठीक, 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1600, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 81, एक्स स्क्वायर बराबर 1600 प्लस 81, तो चूरा कितना हो जाएगा 1600 और 81 दोनों को जोड़ लेंगे, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। 1681 दोनों जोड़ लेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 1681। इसका जब वैल्यूल निकालेंगे तो ये 41 का मतलब 41 है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41। इस प्रकार हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 41। इनके एक ट्रिक्स होते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिक और ये सब इसी में आते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर था होगा आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले और चीज़ों के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रगुण का विलोम, यदि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ये हमने आपको बताया। ठीक, पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ट्रिक का मतलब होता है तीन संख्याओं का समूह, कितने डिस्ट्रिक्ट है। पाइथागोरियन ट्रिक तीन समूहों का समूह होता है जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज भी हम आने वाली स्लाइड में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिभुज ABC ए पर समकोण है, यदि AB बराबर, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, AB बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 24 सेंटीमीटर है तब BC ज्ञात करना। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, ये त्रिभुज बना है ABC। ठीक, ये त्रिभुज ABC बना दिया गया और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें AB 7 सेंटीमीटर, जो आधार है AB, ये आधार है ये 7 सेंटीमीटर है, AC 24 सेंटीमीटर, AC ये 24 सेंटीमीटर है, और BC x है, ये x है, इसको हमें निकालना है। ठीक, एक चीज़, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किससे बना है, A पर, तो ये A पर समकोण बना है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान में रखें, हम उसी को उसी प्रकार करेंगे। ठीक, अब फिर से वही रूल लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर AC स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, BC की वैल्यू x स्क्वायर, AB की वैल्यू 7 स्क्वायर और AC की वैल्यू 24 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ देंगे 625, x स्क्वायर इज इक्वल टू 625, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 625। जब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब 625 किसका रूट है, 25 का है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 25, और x को हमने क्या माना था b और c भुजा, BC भुजा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि BC कितने सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर की। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही था, बस इसमें आपको चित्र अपने आप से बनाना था और जिस भुजा पे जिस पॉइंट पे समकोण बनाने को कहा गया था उसी पॉइंट पे ही समकोण बनाएंगे। ठीक, इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल है, ये आपको होमवर्क में करना है कि त्रिभुज PQR R पर समकोण है, त्रिभुज बनाना है आपको, ऐसे समकोण त्रिभुज
और जो समकोण बनेगा वो आर पॉइंट पर बनेगा, जिसमें पी क्यू 25 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर है। तब क्यू आर, अब वहाँ से हमको क्यू आर निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। अभी जो हमने आपको प्रमेय बताया उसका यूज करना है कि इसमें से कौन सी भुजा समकोण त्रिभुज की भुजा है, कौन सी भुजा समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ठीक, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, तीन भुजाएं आपको दी है। ठीक, तीनों भुजाओं में बताना है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग हो, जिससे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3, 3, 4, 5, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 5, 5 का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अगर बराबर करने से आंसर आ रहा है देन हम कह सकते हैं ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। का 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना है कि क्या त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो हमने क्या बताया कि तीनों का पहले वर्ग निकालेंगे, इनमें से जो तीनों का वर्ग निकालेंगे फिर देखेंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर बराबर नहीं होगा तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के काम में देखते हैं। ठीक, दो सबसे पहली भुजा 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग निकालेंगे 4 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों भुजाओं निकल गई। अब हमको बताना था कि क्या बड़ी भुजा का योगफल दोनों तो छोटी के बराबर है। तो ये बड़ी भुजा 25 हो गई, क्या इनका योगफल 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये इनके योग के बराबर है। तो इधर 4 और 4 8 सेंटीमीटर, इधर 25 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों बराबर हैं। तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, 8 सेंटीमीटर है 25 से छोटी है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिप नहीं बना रही है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर खा और गा आप लोग करेंगे। ठीक, 1.5 2 सेंटीमीटर और 2.5, इनमें से तीनों का वर्ग निकालेंगे। सबसे बड़ी भुजा ये है, चेक करेंगे कि इस भुजा का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। फिर अन्य तीनों में इस भुजा का वर्ग निकालेंगे, चेक करेंगे कि इनका जो योग है वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। अगर बराबर आ रहा है तब वो त्रिभुज की भुजाएँ होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कि त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू था आर क्रमशः 25 डिग्री तथा 65 डिग्री है। याद कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर और इसमें क्यू और आर, क्यू 25 डिग्री का होना चाहिए कोण और आर 65 डिग्री। उसके बाद हमको ये सॉल्व करंट में क्या बताएंगे आपको खाओ आपकी। तो पहले त्रिभुज बनाएगा पी क्यू आर, इस प्रकार बनेगा ये त्रिभुज है पी क्यू आर जो पी पर समकोण है, पी पर समकोण, पी पर समकोण है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आर होगा वो 65 डिग्री का होना चाहिए, जिसको मेजर करेंगे तो ये 65 डिग्री का होना चाहिए और ये जो कोण क्यू है वो 25 डिग्री का होना चाहिए। कोण आर 65 डिग्री और कोण क्यू 25 डिग्री, ये दोनों होने चाहिए। ठीक, अब ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जो पी पर समकोण है, ये समकोण त्रिभुज और पी पर समकोण है, ये 65 डिग्री ये 25 डिग्री, अब ये समकोण बना रहा है कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, त्रिभुज की प्रमेय हमने आपको पढ़ाई थी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी ये 180 डिग्री आपका पूरा आ रहा है, लेकिन इसका यूज नहीं है, जानकारी भी हमने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन था हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, क्या ये संभव है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक, पी क्यू, अब यहाँ पे भुजा देखेंगे पी क्यू, ये भुजा आपकी आधार है, फिर क्यू आर, क्यू आर कर्ण भुजा और फिर आर पी, आर पी ये लंब भुजा। ठीक, नियम हमने आपको पढ़ाया था कि कर्ण भुजा का जो स्क्वायर होगा वो आधार भुजा और लंब भुजा के स्क्वायर का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो क्या यहाँ पर ऐसा कथन दिया हुआ है, यहाँ पर ये कथन नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है पी क्यू स्क्वायर मीन्स ये आधार है, क्यू आर ये कर्ण है,
आधार और कर्ण भुजा का योग लंब के बराबर है, जबकि ये कथन सत्य है। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि कर्ण भुजा क्यू आर है ना कि आर बी, क्योंकि कर्ण भुजा पे क्या है, अगर क्यू आर का स्क्वायर करते तब ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती, इसलिए इस कथन को आप असत्य लिखेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर खा और गा आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर पाँच तक हमने आपको बताया, इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको ये वीडियो क्लास में बताएंगे। होमवर्क में अभ्यास 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में खा और गा आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 में खा और गा आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी खा और गा ये आपके होमवर्क है। धन्यवाद।